Hey guys, welcome back to the channel again. स्वागत है सभी का एक और नए ब्लॉग के अंदर और अपना सीरीज का एपिसोड 6। आज हम जा रहे हैं फाइनली पेंगोंग लेक, जो कि हमारा एक लेह का लास्ट स्टॉप होएगा पेंगोंग लेक। एंड इसके बाद हम लेह से एग्जिट कर जाएंगे अपने कश्मीर वाले रूट के लिए। और अभी आपको चल के दिखाता हूँ पेंगोंग लेक। सुबह सुबह भाई कदम से, आज सुबह सुबह ठंड ज़्यादा है, 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। एंड गाड़ी भी आज बड़ी मुश्किल स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने के बाद बंद हो गई थी बट स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमारी वो वाली स्कॉर्पियो नहीं है जो जिनकी लद्दाख में ख़राब हो गई थी। हमारी अच्छी वाली है, हमारी प्यारी है, हमारा साथ देती है। अब चलते जल्दी फटाफट पेंगोंग, 5.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। एंड अपना है ना, जब भी अगर तुम्हें पेंगोंग निकलना हो तो जल्दी निकलना सुबह सुबह। हमने 10 बज गए हैं, 10 बजे निकल रहे हैं, 3 बजे हम सही पहुँच जाएंगे। 2 घंटा वहाँ स्पेंड करके फिर निकलेंगे। आलोक मेरे ते हंस दे, पैसे ज्यादा दे, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी, चुन्नी भाई दोस्तों, पहाड़ बर्फ के, इतना प्यारा व्यू, और जो अपने टाइम लैप्स देखोगे स्वाद आ गए होंगे। एंड हम आ चुके हैं अभी जिंगराल टॉप पे, जो कि एक और बेस कैंप है यहाँ पे आर्मी वालों का। आर्मी वाले वहाँ नीचे हैं, मैंने शेड्स लगा रखे हैं, अभी हटाऊंगा इनको। और बर्फ देखो भाई, कितनी मस्त बर्फ है। एंड हम पहुँचने वाले पेंगोंग, अराउंड 150 किलोमीटर बच रहा है, सही 4 घंटे का रास्ता। 3:30 बजे हम पेंगोंग में होंगे और आपको दिखाऊंगा पेंगोंग का व्यू। गाइस, हम आ चुके हैं विलेज चांगला में एंड टेम्परेचर आपको दिखाऊं, -7 डिग्री। तो ये गाड़ी दिखा रही है -7 डिग्री चांगला पास एंड खरदुंगला पास के बराबर है। देखो, पढ़ लो एक बारी, 17688 फीट ऊपर चांगला में। ठंड भाई बहुत नेक्स्ट लेवल ठंड हो रखी है, बाहर शीशे हमारे जम चुके हैं बिल्कुल। एंड सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एंड पेंगोंग तो अभी थोड़ी और ऊपर है, एंड थोड़ी ज्यादा ही ऊपर है। और ये देखो भाई, पूरा एरिया बर्फ का है, प्रॉपर बर्फ, जिसने कहते हैं ना टोटली बर्फ है, कुछ दो राय है ही नहीं इसमें। रोड पे भी बर्फ आ रही है बीच बीच में, और पहाड़ तो हमारे बराबर में जितने भी चले हैं बर्फ के ही चल रहे हैं। मैं आप लोगों को टाइम लैप्स दिखाता, बट यहाँ पे ऊपर आने के बाद सक्शन नहीं बन पा रही इस पे, शीशे पे वो चिपक ही नहीं पा रहा, हमारा जो मेरा माउंट है वो चिपक ही नहीं रहा इस पे शीशे पे। बट कोई नहीं, एक बार पहुंचते हैं फिर आपको दिखाता हूँ सीन, बहुत मस्त मस्त सीन आएंगे अभी। भाई देख लो, जन्नत देख लो, बर्फ के पहाड़ पूरे, क्योंकि तुमने तो कभी बर्फ देखी नहीं होगी भाई। भूंगा का है यो, फिर यूपी करवा रखी है भाई, मस्त मजे आने लग रहे हैं, जिंदगी के स्वाद ले रहे हैं और ऐसे ही लेंगे भाई। सीन भाई, सीन देख ले, लाइक सीन है भाई, बहुत प्यारा भाई। बस थोड़ा सा सीन वहां का खराब हो चुका है, देखो अपने फौजी भाई यार, वो की गाड़ी है ना खाई के बराबर में गिर गई। ये क्रेन आई है फौजी और की, अब ये उठा रहे हैं वापस, रिकवर कर रहे हैं इस कार को, सारे खड़े हैं बाहर। एंड हम पेंगोंग से सिर्फ 3.5 घंटे दूर है, अभी देखते हैं जैसा जो रहेगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बाकी रिकवर हो जाएगी ये तो बहुत आराम से। गाइस देखो, वो री पेंगोंग लेक, यहाँ से नीला पानी दिख रहा है, पर वहां पहुंचेंगे फिर देखना तुम उस पानी का कलर, क्योंकि वो लेक कलर चेंज करती है। अभी बस थोड़ी सी दूर है पेंगोंग से, 5-10 मिनट लगा देता हूँ वहां पे गाड़ी, फिर देखना तुम व्यू, और मतलब इतनी खुशी हो रही है।
अपनी स्कॉर्पियो ने हमें ना फाइनली फाइनली पेंगोंग लेक भी पहुंचा दिया। और इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है पेंगोंग लेक आके। यहाँ पे टेम्परेचर -10 degrees है पर बर्फ वर्फ नहीं पड़ रही। एंड अभी चलते हैं लेक के बिल्कुल पास। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा पेंगोंग को देखने की। नीचे भी चलेंगे, पेंगोंग का पानी भी टच करके आएंगे। दिल्ली कह दे बर्फ की और आज तेरी भाई पेंगोंग के ऊपर स्वाद तो अभी ले रहे हैं। देख लो भाई पेंगोंग का पानी, पेंगोंग के पानी में हाथ दूं भाई। ये पेंगोंग है पूरी, पेंगोंग लेक, और ये पेंगोंग का पानी। ओ भाई क्या पानी है, फगत फगत ठंडा पानी है। हाथ गया क्योंकि बर्फ की सिल्लियां ठा रहा है। -10 degrees तो वहां वैसे ही हो रहा है। और इस पे चल चल जाओ भाई, कोई भाग के चल जाओ भाई, भाग के चले जाओ इस पे भाई, स्वाद आ जाएगा भाई। तू डूब जाएगा और तेरा वजन वैसे नहीं झेल पाएगी। और टूटी पड़ी है मत चल टूटी पड़ी है बिल्कुल, है ना भाई। थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना रहे थे, थोड़ा बहुत चले, बोल रहे थे, सांस फूल गई बहुत गंदी। एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा बस आप लोगों को कि कभी भी आओ पेंगोंग तो वो लोग ना आए जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, वो इस तरह ना आए प्लीज़। हाँ जिनके मतलब कोई बीमारी है सांस को लेके प्लीज़ ना आए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। एंड एक चीज़ और बता देता हूँ, पेंगोंग में कोई एंट्री चार्ज कोई फीस देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कोई रास्ते में रुक के आपसे मांगे तो आपको ये चीज़ भी बताता हूँ, डायरेक्ट आना है आपको। फुल सिस्टम देख के आते हैं, बर्फ़ का स्वाद लेंगे बर्फ़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये टीले गिर रहे हैं बर्फ़ के, ओह सॉरी बर्फ़ कह रहा, पत्थर के टीले गिर रहे हैं। ये रे बर्फ़, आ जाओ। जिसको भी चाहिए आइस का थोक विक्रेता बन चुका हूँ मैं, हर ले लो भाई। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने वापस ले मेन मार्केट के अंदर, एंड पेंगोंग लेक घूमा दिए तुमको बढ़िया ढंग से। अब खाते हैं वापस से, हमारे पास तो एक ही जगह है जो कि सबसे बढ़िया खाना है, अगर ले आते हो तुम तो यहाँ खा के जाना। और अभी अभी तो खुली भी है ले मेन मार्केट है ना, फिर मेन मार्केट बंद भी हो जाएगी, तो खा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मार्केट भी घूम लेंगे थोड़ी सी। गाइज अपना खाना पीना ऑल डन, एंड ये देखो यार मार्केट तो यहाँ की, और टाइम भी कुछ नहीं हुआ, देखो 7 बज रहे हैं ओनली, एंड 7 बजे मार्केट क्लोज हो चुकी है बिल्कुल बंद, जिसने कहते हैं ना। बस लाइटिंग तो ये रात भर ऑन रहती है, बाकी मार्केट क्लोज हो चुकी है, कोई क्राउड नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल फकत ऑफ सीजन में आए हम। कोई नहीं गाइस, कहेंगे ये लोकल मार्केट तो खुली है यहाँ की सारी, एंड वो वाली तो सब मेन मार्केट जो है वो बंद हो चुकी है। ये भी बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, देखो पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं सब लोग, तुम्हें दिख रहा होगा ये सब पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं अपनी बढ़िया। गाइस वी आर बैक टू आवर होटल रूम, एंड इस व्लॉग को भी कर लेते हैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लाइक कॉमेंट एंड शेयर, तीनों चीज कर दो। जो चैनल पे नया आया है ना भाई, एक बार जाके प्ले लिस्ट चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक है। एंड क्या बोलते हैं, चैनल पे जाओगे प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में, नॉर्थ इंडिया ट्रिप करके पूरा मैंने 6 सीरीज अपलोड करके 7 हुई है, तो चेक करो एक बार। एंड कल हम निकलेंगे कश्मीर के लिए, और ब्यूटीफुल कश्मीर दिखाऊंगा आप लोगों को कल के व्लॉग के अंदर। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलता हूँ आपको कल। अपना क्या है, हम तो बंदे ही हैं मोड़ के, जहाँ मिलेगा प्यार हम वहीं पे दिल लुटाएंगे।